जिले के भालूमारा थाना अंतर्गत बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि जांच में गए सहायक उपनिरीक्षक की चार लोगों ने पिटाई कर दी है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी कितना सुरक्षित है। सहायक उपनिरीक्षक ने बताया कि उनके नीचे गिरते ही लात घूंसे से भी उन्हें पीटा गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भालूमारा थाने के सहायक उपनिरीक्षक पुलिस रामहर्ष पटेल एक मामले की जांच करने के लिए दार सागर गए हुए थे, तभी वहां पर चार लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार हर्ष पटेल एएसआई थाना भालूमारा एक मामले की जांच करने के लिए दारसागर बगडुमरा गए हुए थे, जिसमें वो पीड़ित को एक्सरे कराने के लिए बताने के लिए गए थे और जब वे रात 8 बजे वहां से वापस आ रहे थे तभी दारसागर के पास 2-3 लोग खड़े थे जिसमें भोला सिंह शामिल थे। वहां पर गाड़ी रोककर बाहर निकला तभी अपना मोबाइल फोन सीट के ऊपर रखा, तभी भोला सिंह मोबाइल लेकर फरार हो गया। और मोबाइल छीन करके ये जो है ना तो छोटा वाला ये वाला छीने थे, फिर इसके बाद इसको दे दिए और बड़ा वाला वो भोला लेके भाग गया। और फिर जब मार पीट करने लगे तो लात घूंसा और बैट से तो फिर भोला भी लौट के आ गया था उस समय और मेरे को मार रहे थे, फिर वो भी मारा है मेरे को, फिर से मारा है वो। और फिर मोटरसाइकिल लेके भागे, 2 मोटरसाइकिल थी, एक में नंबर था, नंबर नहीं देख पाया कैसा, और एक तो पीछे के नंबर था ही नहीं उसमें। बैट से उनकी मारपीट कर दी और मोबाइल को लेकर भाग गए। ये ऐसा इनको पहचान गए, जब ये इनकी बल्ले से मारपीट कर रहे थे तो ये बोले कि मैं पुलिस वाला हूँ, और जैसे ही इन्होंने पुलिस का नाम लिया तो ये लोग भाग गए। पुलिस का नाम सुनते ही मैं भालू मारा लगा। एक्चुअल में क्या है कि ऐसा यूनिफॉर्म तो लगाए हुए थे लेकिन ऊपर से जो जैकेट पहने थे वो सिविल की जैकेट थी, तो वो उतने साफ से नहीं आ रहे थे और रात्रि भी थी।